बिछ रही है बिसात गायत्री और राणा जी की नकली मौत की, और सूत्रधार हैं स्वयं राणा जी। असली मिथुन का घर से एक ही चीज बचा सकती है। जी हाँ, राणा जी अब एक खतरनाक खेल खेलने वाले हैं, और फिर रागेश्वरी राणा जी के हनीमून पर रागेश्वरी को मिलने वाला है जबरदस्त सरप्राइज। राणा जी रागेश्वरी को काल कोठरी में कैद करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। रागेश्वरी को लगेगा जोर का झटका, क्योंकि राणा जी अब रागेश्वरी के वशीकरण से बाहर निकल चुके हैं, और एक बार फिर राणा जी का प्यार गायत्री उनकी बाहों में है। गायत्री राणा जी के साथ है और शामिल है उस खेल में जिसकी बिसात खुद राणा जी बिछाएंगे। राणा जी और गायत्री की नकली मौत की बिसात। हमें गोली लगेगी और हम पहाड़ के नीचे गिर जाएंगे। आपको हमें गोली मारने से इतना अफसोस होगा कि आप खुद को भी गोली मारेंगे। गायत्री राणा जी और रागेश्वरी के पीछे पीछे उस होटल तक पहुंच चुकी है जहां हनीमून के सिलसिले में दोनों आए हैं, और राणा जी से मिलकर उन्हें उनकी जान पर होने वाले खतरे से आगाह करती है। लेकिन ये राणा जी तो गायत्री से भी दो कदम आगे निकल चुके हैं। मुझे मतलब रागेश्वरी को बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है उसके खुद के हनीमून पर, क्योंकि ऐसे सुनाई दिया है कि राणा जी मुझसे बदला लेंगे और शायद मुझे कालकोठरी में बंद कर दें, या मुझे मार डाले, या पता नहीं क्या करेंगे राणा जी मेरे साथ, जो मुझे आइडिया है भी नहीं। बट रागेश्वरी के लिए तो भाई उसके दिल उसे तो लगता है कि ओहो मेरा वशीकरण तो क्या काम कर रहा है राणा जी पर, यू नो, बट जबकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। फिलहाल चोरी चोरी चुपके चुपके मिलकर गायत्री ने राणा जी को आगाह तो कर दिया है, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला है, राणा जी और गायत्री की नकली मौत का। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।